स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 8 एडाप्टेशंस हाउ प्लांट्स सर्वाइव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर आर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल एबल टू डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर एडाप्टेशंस डिस्क्राइब एक्वेटिक प्लांट्स एंड देयर एडाप्टेशंस know some other adaptations in plants name some plants of grass family तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो है हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बता पाएंगे और उनके एडाप्टेशंस के बारे में ठीक है सेकंड है हम एक्वेटिक प्लांट और उनके एडाप्टेशंस के बारे में बता पाएंगे ठीक है थर्ड है कुछ और भी एडाप्टेशंस जो प्लांट्स में होते हैं उनके बारे में जान पाएंगे ठीक है एंड फोर्थ है नेम सम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली और ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स के बारे में हम जान पाएंगे ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं Have you ever been to any hill station or desert? क्या आप किसी desert या hill station पे गए हैं कभी If you have been to a hill station or a desert, you must observe the plant there. अगर आप वहाँ पे गए हों hill station या desert पर तो आप ने वहाँ के प्लांट को ऑब्जर्व किया होगा यानी देखा होगा यू माइट हैव नोटिस दैट द प्लांट इन हिली एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन डिजर्ट जब आपने उन प्लांट को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हिली एरियाज के जो प्लांट्स होते हैं वो डिजर्ट्स एरिया के प्लांट की या प्लांट्स के से अलग होते हैं ठीक है प्लांट्स इन डिजर्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन प्लेन रीजन्स और डिजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो प्लेन एरिया या प्लेन रीजन्स के जो प्लांट्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट Why does it happen? ठीक है ऐसा होता क्यों है ठीक है Different regions or places have different weather and soil conditions. अलग अलग regions या जगहों पे जो है weather क्या होता है Different होता है और वहाँ की जो soil होती है या soil conditions होती हैं वो अलग अलग होती हैं ठीक है For example आप देखोगे deserts have very less water. Whereas mountains are very cool. आप देखोगे डिज़र्ट में बहुत कम या बहुत लेस वाटर होता है जबकि माउंटेंस में बहुत ठंड होती है ठीक प्लांट्स ग्रोइंग इन पर्टिकुलर रीजन एडजस्ट्स देमसेल्फ टू द रीजन बाय डेवलपिंग सर्टेन फीचर ठीक है जो प्लांट एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं ठीक है जैसे कि आप डिज़र्ट में जाओ या फिर प्लेन में जाओ या फिर आप माउंटेन पे जाओ तो आप देखोगे कि वो प्लांट क्या करते हैं उन कंडीशंस को या उन कंडीशन में रहने के लिए अपने अंदर कुछ फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं ठीक है दीज फीचर्स हेल्प देम टू सर्वाइव और ये फीचर क्या करता है उन प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है ठीक है तो दीज फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव ठीक है उनको जो है मदद करता है सर्वाइव करने के लिए द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडॉप्टेशंस ठीक है तो अपने सराउंडिंग्स या अपने आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग
स्पेशल फीचर्स को अपनी बॉडी में डेवलप करने की जो प्रोसेस है उसको हम एडॉप्टेशन कहते हैं, ठीक है। ताकि हम आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने बॉडी को एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। कैक्टस प्लांट कैन सर्वाइव इन ए डिज़र्ट बिकॉज दे कैन स्टोर वाटर। कैक्टस का जो प्लांट है वो डिज़र्ट में सर्वाइव कर पाता है क्योंकि वो वाटर को स्टोर कर सकता है, बट मैंगो प्लांट कैन नॉट। लेकिन मैंगो का जो प्लांट होता है वो नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती, ठीक। दैट इज़ वाई वी डू नॉट फाइंड मैंगो प्लांट्स इन डिज़र्ट। इसलिए हम डिज़र्ट में मैंगो प्लांट्स को नहीं पाते हैं, ठीक है। ड्यू टू एडॉप्टेशन प्लांट इन डिफरेंट प्लेसेस लुक डिफरेंट। सो एडॉप्टेशंस के कारण ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लांट जो है दिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट प्लांट दिखते हैं, ठीक है। दस द प्लांट्स इन ए हिली रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन डिज़र्ट और प्लेन एरिया। इस तरह प्लांट जो हिली रीजन में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं उन प्लांट से जो डिज़र्ट या प्लेन एरियाज़ में मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन डिवाइड प्लांट इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? दैट इज़ टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। एंड सेकेंड है यानी बी क्या है आपका? एक्वेटिक प्लांट, ओके। तो टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो ऑन लैंड, ओके। अधिकतर जो पौधे होते हैं आप देखोगे वो कहाँ पे होते हैं? लैंड पे होते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफिनीशन, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक। सच प्लांट्स जो ग्रो करते हैं कहाँ पे? लैंड पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट, ओके। नेक्स्ट, पाइन, फिर पीपल एंड नीम आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो सम नेम्स आर गिवन हेयर, पाइन, फिर पीपल एंड नीम, दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। तो आप टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप इन प्लांट्स के नेम को बता सकते हो, जैसे पाइन, ठीक है, पाइन है, फिर है, ओके, पीपल है, और जो भी प्लांट आप देखते हो जो लैंड पे हैं उनके नाम को आप ले सकते हो। जैसे कि आप नीम के प्लांट को आप बता सकते हो क्योंकि ये तो सभी जगह पाया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक प्लांट, ओके। एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर में, ठीक है। ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ओके। लोटस, टैप ग्रास एंड वाटर हाइसिंथ। लोटस, टैप ग्रास एंड वाटर हाइसिंथ आर एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। दीज आर द सम नेम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। ये सम एक्वेटिक प्लांट्स के नेम है, आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर एडाप्टेशंस। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड, ओके। तो यहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल का मींस राइट है, इट मींस लैंड, ओके। लैंड हैज़ फॉरेस्ट, माउंटेंस, प्लेन्स एंड डिज़र्ट। देखिए लैंड्स पे क्या क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, माउंटेंस होते हैं, प्लेन होता है, डिज़र्ट्स होते हैं, ओके।
देयर आर सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैवली, सम प्लेसेस रिसीव मीडियम और वेरी लिटिल रेन. ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन फर्दर बी डिवाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, देखिए देयर आर सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे तो बहुत ज़्यादा पानी यानी हैवी रेन होती है, बट कुछ प्लेसेस पे आप देखोगे दे रिसीव मीडियम और वेरी लिटिल रेन. ठीक है, ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन फर्दर, और सभी टेरेस्ट्रियल प्लांट को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं इसको. तो प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट रीजन, ऐसे प्लांट्स जो डिजर्ट्स रीजन में आते हैं, मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम होता है यानी रेगिस्तानी. ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डिजर्ट. ठीक है, तो आप क्या कहोगे डिजर्ट की डिफिनेशन, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डिजर्ट. ठीक है, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस को हम डिजर्ट कहेंगे. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन डिजर्ट. ठीक है, डिजर्ट में बहुत कम पानी होता है. कैक्टस, डेट, पाम, बबूल एंड कीकर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट. तो कैक्टस, डेट, पाम, बबूल एंड कीकर जो है कुछ प्लांट्स हैं जो डिजर्ट में ग्रो करते हैं. ठीक है, आप डिजर्ट्स के कुछ प्लांट्स के नेम राइट कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हो. ठीक है, दीज आर द नेम कैक्टस, डेट पाम, बबूल एंड कीकर. ओके, चलिए अब तो हमने इनके नाम या इनके नेम को जान लिया, अब हम इनके एडाप्टेशंस के बारे में जानते हैं कि ये सिर्फ वहाँ पे किन फीचर्स को डेवलप करते हैं जिसके थ्रू ये वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, तो एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं ये. ठीक है, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं इनकी बॉडी में, तो देखिए इन मोस्ट ऑफ द प्लांट लीव्स चेंज इंटू स्पाइंस. देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है डिजर्ट्स प्लांट का, कि लीव्स चेंज हो जाती हैं इंटू स्पाइंस में. ठीक है, स्पाइंस में लीव्स क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं. अब जब लीव्स चेंज हो जाती हैं स्पाइन में तो क्या होगा, इनमें इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी. ठीक है, दिस प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, और ये जो है प्लांट से वाटर को जाने नहीं देते. ठीक, क्योंकि लीव्स क्या हो गई स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे स्टोमेटास ख़त्म हो गए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. स्टेम्स आर ग्रीन, हैव क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर फूड. ठीक है, और स्टेम में क्या हो जाता है, ग्रीन होते हैं. जब ग्रीन होता है तो आपको पता है कि उसमें क्लोरोफिल होता है. ठीक है, और क्लोरोफिल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है इसका क्या, कि ये फूड को प्रिपेयर करें, यानी फूड को प्रिपरेशन में मदद करता है क्लोरोफिल. ठीक है, क्योंकि ये सन रेज को कैप्चर कर लेता है और प्लांट्स को फूड बनाने में या फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. ओके, स्टेम्स आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर विच मेक देम फ्लेसी. ठीक है, स्टेम्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और सिर्फ फूड ही नहीं स्टोर करते बट और ये वाटर को भी स्टोर कर लेते हैं, जिसके कारण इनका जो स्टेम होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लेसी हो जाता है. ठीक है, फ्लेसी हो जाता है. ठीक, अब रूट्स देखते हैं. हमने लीव्स देख लिया, स्टेम देख लिया, अब रूट देखते हैं कैसी होती है रूट्स. रूट्स देखेंगे तो स्प्रिट आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर, और जो रूट होती हैं बहुत गहरे ज़मीन के नीचे चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको क्या करना होता है, वाटर की सर्च करनी होती है, क्योंकि डिजर्ट्स में पानी मिलते नहीं. तो ये रूट्स क्या होती हैं, बहुत डीप चली जाती हैं अर्थ के, ये ग्राउंड के, एंड वहाँ पे जाके ये अपने लिए वाटर यानी प्लांट के लिए वाटर को सर्च करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्लांट डैट ग्रो इन माउंटेन रीजन्स, ऐसे प्लांट्स जो माउंटेन रीजन्स में होते हैं. ठीक है,
दीज रीजन्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी. ऐसे रीजन कौन से जो माउंटेन्स एरिया है या माउंटेन रीजन्स हैं, क्या है, कैसे होते हैं, ये कोल्ड होते हैं, विंडी होते हैं, मतलब हवा भी चलती है यहाँ पे और कोल्ड होते हैं. ठीक. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर. कुछ एरियाज में तो विंटर रीजन या विंटर सीजन में ही जो है स्नोफॉल होता है. ठीक है. स्नोफॉल कब होता है? विंटर सीजन में. ठीक. पाइन, फिर देवदार एंड स्प्रूस आर द प्लांट दैट ग्रोज इन माउंटेन रीजन. तो पाइन एंड फिर देवदार एंड स्प्रूस, ये क्या हैं, इनके मेन प्लांट्स हैं जो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं. ठीक है. एडाप्टेशन. अब देखिए, जो माउंटेन रीजन्स में प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर क्या एडाप्टेशंस होती हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस हुए रहते हैं उन प्लांट्स के अंदर, जिसके इस कारण वो अपने सराउंडिंग्स को अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो आइए देखते हैं इसको. ट्रीज आर टॉल स्ट्रेट एंड टिन. ओके. तो ट्रीज कैसे होते हैं? टॉल होते हैं. ठीक. स्ट्रेट होते हैं. ओके. एंड थिन होते हैं. तो आप देखोगे वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे, स्ट्रेट होंगे एंड थिन होंगे. ओके. दे आर यूजली फ्लावरलेस. वहाँ पे उन प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते. ठीक है. एंड दे बियर कोन्स विथ सीड्स इनसाइड देम. और वो क्या बियर करते हैं, सीड्स को रख कोन्स रखते हैं. ठीक है. कोन्स, इस तरह के कोन्स होते हैं, कोन्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. ठीक है. तो जो माउंटेन एरियाज़ या माउंटेन रीजन्स के जो प्लांट होते हैं वो कोन को बियर करते हैं. ठीक है. कोन्स होता है और इस कोन्स के अंदर सीड होता है. ओके. आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पाइन्स की लीव्स हैं एंड कोन्स हैं. ये कोन दिख रहा है आपको इस तरह का, इस कोन के अंदर ही जो है आपके सीड होंगे. ठीक है. दे आर कोनिकल इन सेप एंड दस दे आर कॉल्ड कोनिफर. ठीक है. इनके कोनिकल सेप के कारण ही इनको हम कोनिफर्स के नेम से भी जानते हैं. ठीक है. देयर सेप्स हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली. और इनके सेप के कारण ही जो है जो स्नो गिरती है, मीन्स जो आइस या स्नो गिरती है, बर्फ जो गिरती है वो क्या होती है, स्लाइड हो जाती है. ठीक है. इनके सेप के कारण, क्योंकि इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, निडिल लाइक होती हैं. ठीक है. दिख रहे हो आप, ये निडिल लाइक लीप्स हैं एंड ये कोन है. तो जब भी बर्फ़ गिरेगी तो ये स्लाइड ऑफ हो जाएगी, मतलब फिसल कर नीचे चली जाएगी. ठीक. देयर लीव्स आर नीडिल लाइक. देखिए यहाँ पे इनकी लीव्स कैसी होती हैं, नीडिल लाइक होती हैं. ठीक है. द लीव्स हैव फ्यू स्टोमेटा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. और इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटा क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं या बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जिससे कि इनका वाटर लॉस कम हो जाए. ठीक. द लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्नो. और जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, वैक्स होता है. क्या होता है, वैक्स, यानी मोम जो है उसके ऊपर होता है, जिससे कि जब भी स्नो गिरे या वाटर गिरे तो वो स्लाइड ऑफ हो जाए, जो है फिसल जाए. ठीक है.